क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्त या कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207430058। हाय नाजिन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एमबीटी पार्टी के स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान को लेकर है। अमजदुल्लाह खान ने कहा कि खुतुब शाही दौर कर एक खूबसूरत मस्जिद को जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत कहीं जमीन है, उस जमीन के जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर उस मस्जिद को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात आप सुन सकते हैं अमजदुल्लाह खान की जुबानी। मायसेल्फ अमजदुल्लाह खान, स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअल हम लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए, मस्जिद शाही आलमगीर बोडोपल, ये जो एरिया में बोडोपल म्यूनसिपैलिटी में यहाँ पर मस्जिद है। ये मस्जिद के तहत जो है 18 एकर्स 20 गुंटा ज़मीन है इसकी। ये मस्जिद 18 एकर्स 32 गुंटास, सर्वे नंबर 150, ये सर्वे नंबर की ज़मीन है। ये आपके मस्जिद से लेके ये पूरा जो डेड एंड जा रहे हैं आप वहाँ तक, ये पूरा मस्जिद लैंड है इसका। मस्जिद का जो है रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है ये पूरी। आपको जो है हम ये पूरे कॉपी सप्लाई करेंगे ना, वो कहाँ है गजट, ये देखिए आप। आई एम शोइंग यू द गजट कॉपी ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ये गजट है, देखिए ये गजट में जो है पेज नंबर 188, सीरियल नंबर 2749, इट इज़ मेंशन के मस्जिद आलमगीर 18.32 एकर्स 150, सर्वे नंबर बोलकर। तो अब इसमें जो है एक शख्स सुरेश कुमार नामी जो है अचानक इन्हों ये बोल रहा है कि ये ज़मीन जो है मेरी है। उसको उसके बाप दादा से कितनी ज़मीन आई उसके अंदर एक्सेस, एक 28 एकर्स एक्सेस बता रहा उन्हें ज़मीन बता के जो है। ये जो मस्जिद का ओपन स्पेस अब आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें काम नहीं करना बोल के इन कोर्ट को गया था। तो लोअर कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल में मस्जिद कमेटी जीती, लोअर कोर्ट में मस्जिद कमेटी जीती, हाई कोर्ट में भी मस्जिद कमेटी जीती। तो अब फिर उन्हें पहले सर्वे नंबर 152 बोल के लड़ा उन्हें, एक्चुअल ये है 150, अब उन्हें बोल रहा 150 बोल के फिर कोर्ट को जाके वो काम रुका आया उन्हें मस्जिद का। वो फिर 8 तारीख को पेशी है उसकी, 29th को। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से, इसके अंदर ये जो काम रुका इसमें वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा कसूर है इसमें। अगर वक्फ बोर्ड कैविट डाल देता तो ये काम नहीं रुकता, उसको स्टे नहीं मिलता उसको। और एक चीज़ ये हो गया, इसके आगे वहाँ पर एक 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर ये मस्जिद की ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है। इट्स कम से कम नहीं बोले तो भी एक 10 करोड़ की ज़मीन है वो, 5 करोड़ रुपए पर एकड़ लैंड है यहाँ पर। तो वो ज़मीन का इन्हों एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया उन्होंने, एक्साइज डिपार्टमेंट से एक शराब की दुकान डालने के लिए। तो वो शराब की दुकान डालने के लिए जो लाइसेंस के लिए जो पेपर उन्हें सबमिट करा, वो पेपर आप देख सकते, ही इज़ नॉट शोइंग एनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मेरी बात पे गौर करिए आप लोग, कोई भी शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताना, या आप कोई प्रॉपर्टी पे लीज डॉक्यूमेंट बताना, और नो ऑब्जेक्शन लेना अड़ोस पड़ोस से। यहाँ पर शराब का दुकान नहीं डल रही बल्कि एक बार डाल रहा उन्हें 2 एकड़ पूरे उस पर, वो भी मस्जिद के लैंड पे। तो इसमें इन्हें यह बता रहा है कि श्री जुवाड़ी विवेक राव, सन ऑफ श्री जुवाड़ी रामाराव। ये जुवाड़ी विवेक राव को किधर से प्रॉपर्टी आई, इसका कोई लिंक डॉक्यूमेंट नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसका कोई लिंक डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसमें जो है हमारी ये जो 2 एकड़ को हम सेफ कर रहे हैं और ये मस्जिद के लिए जो लड़ रहे हैं, इसमें हमारे जो हिंदू भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं कि SP प्राइड रेसिडेंसी, CN रेसिडेंसी के आप प्रेसिडेंट हैं, आप लोग वहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपको ये है कि अगर वहाँ पर उनके अपार्टमेंट के बाजू अगर शराबखाना खुल गया तो ये लोगों का जीना हराम हो जाता। कितने अपार्टमेंट है आपके? 81। एक मिनट आप इधर आइए, एक मिनट उनको आ जाने, क्या प्रॉब्लम है शराब की दुकान खुलने से बोलिए।
అక్కడ మాకు వైన్ షాప్ వస్తుందని తెలవగానే మేము మున్సిపల్ కమిషనర్కి, మేయర్కి, ఎక్సైజ్ మినిస్టర్కి, ఎక్సైజ్ కమిషనర్కి, ఎక్సైజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి మరియు మేడ్పల్లి ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రిటర్న్ కంప్లైంట్ అండ్ వీ టేక్ అనే తపాలా ఆల్సో ఫ్రమ్ దేమ్, బట్ వీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ దేమ్. సో వీఆర్ వెయిటింగ్. యాక్చువల్లీ What is your demand with the government? No, we are stop that shop. You, आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो शराब की दुकान बनना बोल ठीक है आप जाइए. ये है कि अब हम जो है शराफत से बात कर रहे हैं, आगे चल के ज़रूरी नहीं है कि हम शराफत से बात करेंगे बोल के, क्योंकि द कॉस्टलीस्ट लैंड है. इसके अंदर वकबोर्ड एक्टिव होना, पुलिस वाले उसको लैंड के अंदर डालना, ये फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बना के उन्हें जो है एक मस्जिद की ज़मीन कब्जा कर रहा, इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकता. तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर से हमारी गुजारिश है कि, और राचाकोंडा कमिश्नर से हमारी गुजारिश है कि इन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया, उन्होंने बना के एक मस्जिद की लैंड कब्जा करके एक कम्युनल हेटरेडनेस पैदा हो सकता. ये बस्ती अमन है, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को ख़राब करने की कोशिश कर रही है. ये शराब का लाइसेंस कैंसिल होना और वो ज़मीन पे, क्योंकि ऑलरेडी सर्वे नंबर 150 पे स्टे है, जब मस्जिद का काम नहीं हो रहा तो वो काम भी नहीं होना, वो भी सर्वे नंबर 150 है. तो पुलिस की जिम्मेदारी है, मेटपल्ली इंस्पेक्टर और एसीपी कौन सा लगता है यहाँ पर, डीसीपी मलकाजगिरी लगता है, मैडम है, मैडम से हमारी गुजारिश है और कमिश्नर राचाकोंडा से गुजारिश है, हम लोग जाके पर्सनली भी मिलेंगे, वी विल ऑल्सो मीट. आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियसिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है. हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए. मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए. हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद. कस्टमर केयर 7207-4300-58.